हेलो जी, राम राम जी। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? तो फाइनली आज वो दिन आ गया है भाई। आज जाना है मुझे मेरे घर, और काम वगैरह जो है वो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। और कल तो भाई बहुत सारे बाहर के काम थे, वो सारे निपटाए। भाई आप समझ सकते हो, जैसे भाई शादी है तो भाई थोड़े से पार्लर रिलेटेड काम थे, या फिर कुछ जो भाई छोटा मोटा कुछ रह जाता है वो था। तो इसी तरह से भाई जो मैंने है वो अपना सामान वगैरह जो है वही वो कलेक्ट कर लिया था। और कल मैंने अपने जो है वो नेल्स भी करा लिए थे, और इस बार मैंने कराया है बहुत ही ब्राइट सा कलर कराया है, कुछ नियोन कलर है, पिंक। बहुत अच्छा कलर है, क्योंकि इस बार मैंने उनको बोला भाई खूब सा डार्क सा कलर कर दो, तो उन्होंने इस बार मुझे खूब अच्छा सा डार्क सा कलर करके दिया, और अच्छा है। और इस बार पिछली बार से प्राइस में भी कम पड़े मुझे, हाफ ही पड़े, मतलब ये लगा लो तो उन्होंने कर दिया। तो अभी तो मैंने ये डार्क कलर करा लिया, लेकिन ये डार्क कलर ये है कि थोड़े दिन आप चला सकते हो, जैसे शादी शादी चला लूँगी, उसके बाद कोई लाइट सा सटल सा कलर कर लूँगी, नहीं तो ये नेल पेंट ऐसे इनके ऊपर आप अपने जितना मर्जी करें उतने मर्जी नेल पेंट लगाओ, यूज़ करो। और ये वाला तो रिमूव नहीं होता है, ये तो वहीं पर रिमूव कराना पड़ता है, क्योंकि वो तो घिसा घिसा के रिमूव करते हैं, वैसे ये निकलता नहीं है। तो इसके ऊपर चाहे कितने भी कलर लगा लो। तो ये काम भी हो गया था, पार्लर से रिलेटेड जो काम थे वो भी हो गए थे मेरे। तो अब मैं पहले तो करूँगी थोड़ी बहुत डस्टिंग, क्योंकि टाइम और रखा है 10 बजे का। विनोद जी आ गए हैं जिम से, बच्चे स्कूल गए हैं, और बच्चों के आने से पहले मुझे उनके कपड़े वगैरह जो है वो तो उस दिन तो मैंने पैक कर दिए थे, वो तो हो गए थे। अब डेली यूज़ के एक दो जोड़ी हमें अपने कपड़े हैं, जो मुझे अपने भी और बच्चों के भी, बस वो डालने हैं। और अपना छोटा मोटा सामान देख रही थी, मेकअप का भी थोड़ा बहुत जो था वो मैंने पैक कर लिया है, और एयरिंग्स वगैरह सब रख लिए हैं। चप्पल जूते रहते हैं तो वो अब मैं निकाल लेती हूँ, और थोड़ी सी कर लेती हूँ घर की डस्टिंग, और बीच बीच में आप लोगों से मिलती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। और भाई आज ये व्लॉग चलेगा मेरे घर जाने तक, बीच बीच का आप लोगों को शूट करके मैं दिखाती रहूँगी कि भाई मैं आज क्या कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। भाई नहाना धोना सब हो गया है, और अब बस खाऊंगी मैं खाना, और सामान वगैरह है मैंने सब कुछ रख लिया है, बच्चों का भी, अपना भी, शूज़ वगैरह जो भी था सारा आइटम रख लिया है। और विनोद जी से मिलवा देती हूँ आपको, हमेशा लेटे हुए ही दिखाई देंगे आपको वैसे वो। हेलो। राम राम जी। राम राम। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं ठीक है। उदास हो? नहीं ठीक है। हाँ ठीक है। तो शाम को तो वैसे भी आपकी पार्टी है, उसमें जाओगे आज से? आज हाँ। शादी में जाओगे ना आप भी? बस तो फिर आज तो ठीक है। तो भैया आज तो उनकी भी पार्टी है, क्योंकि उनके भी दोस्त के उधर शादी है, तो वो भी जाएंगे। और मैं आपको एक बार अपना पिटारा दिखाऊं, हंसोगे आप लोग भी देख के क्या कर रही है। लेकिन इसमें है ना भाई सिंगल सिंगल सूट है, मतलब सिंगल सिंगल पोलोथिन में सामान भर रखा है मैंने, बैग में नहीं डाला, क्योंकि फिर कपड़े खराब हो जाते हैं, और ऐसे कैसे मुझे लाने में भी आसानी रहेगी। बस ये दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन है नहीं। ये देखो, ये इधर शूज, इसमें रिक्की के दो पैर शूज, रिक्की कह रहा है दोनों लेके जाऊंगा। और इधर ये हमारे माँ बेटियों के, इसमें हमारे डेली यूज़ के पहनने के कपड़े हैं, इसमें मेरे डेली यूज़ के और मेकअप और इयररिंग्स वगैरह वो डाल दिए मैंने, ये मेरा पर्स हो गया। और ये है हमारे, इनमें सिंगल सिंगल कपड़े हैं, ये सामान मम्मी का है जो उन्होंने मंगाया था वो है। तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, दिख रहा है फैला हुआ, कुछ नहीं। मम्मी को बोल दिया मैंने कि मम्मा एक अलमारी दे देना, उसमें सारा सामान रख लूँगी, क्योंकि फिर मेरे को फैला हुआ सामान बिल्कुल भी नहीं पसंद, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, मैं अपना रखती हूँ थोड़ा सा मैनेज करके अपने सामान को, तो उसी तरह से रखूँगी। तो अब खा लेती हूँ खाना, और फिर जाती हूँ बच्चों को लेने, और फिर पूछती हूँ भाई से कि मेहंदी कल लगवा ले जाएगा या फिर आज ही लगवा के जाऊँ। तो अगर वो बोलेगा कि आज ही लगवा ले, तो आज ही लगवा लूँगी, क्योंकि वहाँ जा कर इतना काम करना नहीं, बर्तन वगैरह वाली दीदी जो है मम्मी ने लगा ली है, तो इतना कुछ काम नहीं है, खाना वाना बनाना होगा, वो हो जाएगा, सभी यहाँ पर भी तो करते हैं, तो सब मैनेज हो जाएगा। तो पहले खाना खा लूँ, बच्चों को ले आऊँ, फिर भाई से पूछूँगी कि वो कल लगवा ले जाएगा या आज ही लगवा लूँ, है भाई। और आज तो मैंने सिंपल अपना कॉटन का ही सूट पहन लिया, कुर्ता सा, कि मैंने कहा अगर बाई चांस मैं दीप लगा, और फिर भाई मेरे से हैवी कपड़े ज़्यादा देर नहीं पहन सकती मैं, मेरे को अनकम्फर्टेबल होता है, थोड़ी देर के लिए ही वो अच्छा लगता है, शौक पूरा होता है, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो खाना खा लेती हूँ मैं। हमारी सवारी जो है वो निकल चुकी है नजफगढ़ के लिए, मेरा भाई आ चुका है मेरे को लेने के लिए, और ये मेरा भतीजा। हेलो कर दे बेटू। हेलो। ये मेरा भतीजा है, ये मेरे भाई है, दोनों लेने आ गए हैं, और हम पार्टी हो रही है। तो भैया ये सवारी निकल ली है, दो तीन दिन अपना मौज करने के लिए जा रहे हैं शादी में, भगवान अच्छे से सब निपटाए।
चलिए भाई चलते हैं आज घर, और दोपहर में ब्लॉग वगैरह चलेंगे भाई। मेहंदी मेहंदी सब लगवा ली है आज ही, तो द्वारका गई थी तो वहीं पे लगवा ली, बैठे थे टाइम था तो वहीं पे लगवा ली भाई आज। तो मैंने ये देखो भाई आते ही तीनों लग चुके हैं, मामा भांजे काव्यश देख रहा है इनको बस। और इधर मैंने अपना सामान जचा दिया है अलमारी में, और ये बैग है इनको रखूंगी कहीं पे। और खाना हाँ 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 ये मामा की है बेटा, टंगी रहने दे, अच्छी लग रही है। ये रही मैं, ये रहा मेरा भतीजा भाई। आते मेरी ड्यूटी लगी है चाय बनाने की, मेरी मौसी अर के लिए उनको अच्छे से चाय बना के पिलानी है, तो चाय पानी का अरेंजमेंट इधर सही है अपना, बैठो और वो कर करके यहाँ पर भी। और ये रही मेरी मम्मी, ये रही मेरी मौसी, मौसी अरे ये रही मेरे पापा, पापा दो चार दिन फ्री छोड़ दो, घर में फ्री नहीं छोड़ दो कभी। लड्डू आ गए, पैकिंग गेस्ट आ चुके हैं, ये हमारी सुदेश मौसी, मेरी माँ देखा कर वो लोग फिर बोल तो तेरी मौसी ना देखा, ये हमारी तिलक मौसी। विनोद जी सुन लो आपके लिए है ये, दोबारा काम उसी ये सुथरी कर दे कर दें ये सुथरी के मुक्कू को लेने उसके पापा आ चुके हैं, और ये रही, और ये चली अपने पापा के साथ शादी वाले घर से, देखो ये फिर से लेने आई है इनको, और आज इनकी बुलेट की सवारी दोनों पापा बेटे। हेलमेट ना लेकर आ रहे आज आप, आराम से जाना, तो रखा तो है, आराम से जाना बिल्कुल। बाय बाय कर दे फूफा को, बाय जी। रात को सो गई थी, ऐसी सो क्या गई थी, एक डेढ़ बजे तक तो बैठे रहे बातें करते रहे, और उस टाइम यहाँ पे मच्छर बाहर वो लाइट वाले मच्छर आजकल इतने कर रहे थे कि अंधेरा था, तो आप लोगों को दिखा नहीं पाई, लेकिन अभी ये लोग मैं दिखाऊंगी। अभी सब लोग ऊपर गए और टाइम 8:30 का हो चुका है, मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। हालांकि ये लोग तो 6 बजे उठ के चाय पानी बनाना शुरू कर दिया था मौसियर ने, लेकिन अभी वो ऊपर गए हैं, वो अपना सामान वगैरह रख रहे हैं फेरों का जो पैक करना है उनको, क्योंकि फिर दिन में टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं पानी गर्म कर लूँ और आपको लेके चलती हूँ फिर ऊपर, और फिर दिखाती हूँ अपना पानी वानी पी लूँ। यह देखो मेरे भतीजे का सुबह सुबह चालू है, हाँ आ जा आओ आराम से आओ पकड़ के, इस बैस हुई थी इस बेड पे और ये सोए थे इस पे सब। दोपहर का खाना पीना हो चुका है, और मैं दिखाती हूँ आपको अपने किचन की सिचुएशन, क्योंकि ज्यादा काम यही हो रहा था। यह कंडी बनाई थी भाई मन ने, रोटी बनाई मेरी भाभी ने, बर्तन दिए हमने, छोड़ी पाओगी बर्तन वाली वो कर जाएगी। अब बन रही है दोबारा से चाय, ये रही भाभी आज इसकी ड्यूटी है किचन में, ये रही मम्मा, ये बुआ का लड़का, ये मेरा भाई, चुप हो जाओ मेरी मौसी का फोन आ गया, और ये
मेरी बुआ है और ये मेरी मौसी बैठी इधर। बेटा तुम नुआ आओगे कच्चे कच्चे में दोनों शादी में दिखाऊंगी तब नहीं है मारे कच्चे कच्चे में, दूल्हा भी कच्चे में, दूल्हेगा यार भी कच्चे में। और ये मेरे पिताजी का काम भाई पूरा दिन खत्म नहीं होता। मेरे पिताजी इसी तरह से बेचारे लगे रहे, पता नहीं लोग आड है क्या क्या खेलू तब ने मेरे को और भाई ब्लॉग करने का टाइम बहुत कम मिल रहा है, लेकिन थोड़ा 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 कैप्चर करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। सुबह से बहुत सारे काम है, खाना पीना सब हो चुका है, लेकिन करेंगे थोड़ा थोड़ा। बताओ तेरे कान पे मारूंगी, रुक भाई मैं ये ब्लॉग करूंगी यहीं तक, और इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग करूंगी वो मैं करूंगी शाम से, या बीच बीच में रिकॉर्ड करती रहूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा कल से ही चला हुआ है। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलूंगी कल आपसे अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरी मेहंदी अच्छी सी रच गई है भैया, ये देख लो। और नेल पेंट अब इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, पहले मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा था कि ज़्यादा ब्राइट हो गया, लेकिन अब मुझे मेरे हाथ बहुत सुंदर और अच्छे लग रहे हैं भाई। और मेरे इनको सबको पसंद आ रही है यहाँ पे भाई वगैरह को, कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। और टिप्स पे मेहंदी थोड़ी कम लगी, क्योंकि पानी वाणी में आता थोड़े बहुत तो गए हैं, पता नहीं रची भी कुछ कम, क्योंकि मैं द्वारका लगवाई थी तो नहीं आया कलर। इन पर रात को दोबारा से टिप्स लगाऊँगी अच्छे से। तो चलिए भाई मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए राम राम जी।